सेंटेंस है, नीदर ही आर हिज फ्रेंड्स हैव कम्प्लीटेड दिस वर्क नो एरर। अभी आप इसमें देखोगे तो इसको नीदर भी बोलते हैं नाइदर भी बोलते हैं, है ना। तो नीदर ही एक पार्ट ये है, और आर हिज फ्रेंड्स एक पार्ट ये है, और हैव कम्प्लीटेड ये सी पार्ट है, दिस वर्क डी पार्ट है, और नो एरर ई पार्ट है। एग्जाम में ये जो तीनों क्वेश्चन दिया गया है इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100% श्योर है, इससे अलग नहीं पूछा जा सकता। मेरी बात समझ रहे हो ना, इससे अलग क्वेश्चन पूछा नहीं जा सकता है। इसमें तीन तरह के एरर हमने दिखाया है कि नीदर नार के साथ या ईदर आर के साथ कौन कौन से एरर हो सकते हैं। इसमें ध्यान दो तो एक एरर हो सकता है कि नीदर के साथ इसका जो को रिलेटिव कंजक्शन है, यानी कि इसका जो पेयर वर्ड है नीदर के साथ नार होता है आर नहीं होता है, तो पहला गलती यही है, यानी कि बी पार्ट जो है ये गलत है, बी पार्ट गलत है। उसमें देगा विच पार्ट इज रॉन्ग, कौन सा पार्ट गलत है, ग्रामेटिकली रॉन्ग यानी कि ग्रामर के अकॉर्डिंग गलत है। तो ईदर के साथ सॉरी नीदर के साथ नार होना चाहिए आर नहीं होना चाहिए, एक गलती इस तरह से पूछेगा, यानी कि नीदर के साथ आर दे देगा और ईदर के साथ नार दे देगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो नीदर के साथ यहाँ पर नार होना चाहिए, ठीक है, एक तरह से ये गलती पूछेगा, यानी कि ईदर के साथ नार दे देगा और नीदर के साथ आर दे देगा, इसमें कॉम्बिनेशन या तो फिर और कोई गलती कर देगा इन्हीं दोनों में से, क्योंकि नीदर के साथ नार होता है, ईदर के साथ आर होता है, बोथ के साथ एंड होता है, नो लेस के साथ देन होता है, नो लेस देन नहीं होता, नो लेस देन होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना, नीदर के साथ नार, ईदर के साथ आर, बोथ के साथ एंड, ईदर और एज वेल एज, मतलब जितने कोरिलेटिव कंजक्शन हैं इनको एक बार देख लीजिएगा। कंजक्शन की पूरी आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो कंजक्शन की पूरी वीडियोस पड़ी हुई है। अब यहाँ हम बात करते हैं दूसरे वाले में, नीदर दे नॉर ही, न तो वे न वह। अब यहाँ देखो नीदर के साथ नार तो दे दिया है, फिर दूसरी गलती क्या करके आयोग पूछ सकता है, नीदर के साथ नार तो दे दिया लेकिन यहाँ जो वर्ब है ना ये वर्ब पूछेगा कि किसके हिसाब से लगता है। तो जो नार होता है यानी कि जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है, वर्ब के नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, तो हैव गलत है यानी कि हैज हो जाएगा, तो इसका मतलब सी पार्ट गलत था। जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से जानो, यानी कि पहला तो इसके जो पेयरिंग वर्ड हैं इसमें अंतर पूछेगा, नीदर के साथ कुछ और लगा देगा चूँकि होना चाहिए नार, ये पूछेगा। दूसरा नीदर और नार के साथ जो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं उस सब्जेक्ट में जो नार के पहले वाला सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगा देगा, तो गलत हो जाएगा क्योंकि इसके बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ हेल्पिंग वर्ब या वर्ब का प्रयोग किया जाना चाहिए, ठीक है। तीसरा गड़बड़ी क्या करेगा कि नीदर द आंसर, नीदर द आंसर ए एन एस डब्ल्यू आर, नीदर द आंसर, न तो आंसर गिवन बाय यू तुम्हारे द्वारा दिया गया, इज राइट नॉर रॉन्ग, सही है न तो गलत है। तो कहने का मतलब ये है कि नीदर के साथ यहाँ क्या जुड़ा है, नाउन जुड़ा हुआ है, और यहाँ नॉर के साथ क्या जुड़ा हुआ है, एडजेक्टिव जुड़ा हुआ है। तो तीसरी बात ये आती है कि इस तरह से पूछेगा कि एक नीदर के साथ नाउन लगा देगा दूसरे के साथ एडजेक्टिव लगा देगा, या पहले के साथ वर्ब लगा देगा दूसरे के साथ नाउन लगा देगा, तो ये भी गलती करके मिलता है। यानी कि देखो यहाँ नीदर के साथ नाउन जुड़ा है तो यहाँ नार के साथ भी नाउन ही जुड़ना चाहिए। तो फिर अगर हम चेक करें इस पूरे सेंटेंस में तो एक ही आंसर मिलेगा जो नाउन है और बाकी कोई नाउन नहीं है, तो क्या एडजेक्टिव दो हैं क्या, तो आप कहोगे हाँ राइट है और रॉन्ग है, तो यहाँ पर होना चाहिए था नीदर, यहाँ पर नीदर होना चाहिए था, ये वाला पार्ट ये गलत है, यानी कि यहाँ नीदर नहीं होना चाहिए, नीदर यहाँ पर होना चाहिए, तो ये वाला पार्ट गलत है। अब थोड़ा सा हम लोग शुरू से नीदर नार पर ध्यान देते हैं। प्रणाम नमस्कार आशीर्वाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और मित्रों में शेयर जरूर कीजिए अगर पढ़ने वाले हैं तो।
थोड़ी सी बात हम करेंगे नीदर नार की और इधर आर की। जैसे नीदर नार का प्रयोग होता है सेम टू सेम इधर आर का प्रयोग होता है। वैसे एक वीडियो मैंने इधर आर नीदर नार दोनों पर मैंने डाल दिया है, हो सकता है उतने डिटेल में ना हो लेकिन ये थोड़ा डिटेल में है, बेहतरीन जानकारी है, इसको आप ध्यान देंगे तो समझ में आएगा। जैसे पहली बात तो ये है नीदर नार है क्या, तो नीदर नार एक को रिलेटिव कंजक्शन है। को रिलेटिव कंजक्शन का मतलब होता है कि यह जब जोड़ता है तो वैसे वर्ड से वर्ड को, फ्रेज से फ्रेज को और क्लाजेस को क्लाजेस से जोड़ता है, यानी कि कंजक्शन है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नीदर नार नाउन से नाउन को जोड़ता है, या नाउन को प्रोनाउन से, या प्रोनाउन को नाउन से, या प्रोनाउन को प्रोनाउन से। मतलब ये समझो कि नीदर नार जो है ये नाउन या प्रोनाउन को आपस में जोड़ सकता है। दूसरा, जब जोड़ेगा तो वर्ब को वर्ब से ही जोड़ेगा, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से ही जोड़ेगा, एडवर्ब को एडवर्ब से ही जोड़ेगा, फ्रेज को फ्रेज से ही जोड़ेगा, इन्फिनिटिव को इन्फिनिटिव से जोड़ेगा और जीरंड को जीरंड से ही जोड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि कैसे हम जानेंगे कि किसे से किसको जोड़ रहा है। जैसे ऐसे देखो, अगर एक हमने लिखा नीदर राम नार, ये याद रखना नीदर के साथ नार, नीदर राम नार हिज फ्रेंड्स। अब यहाँ जो हिज फ्रेंड्स लगा है ना, ये नार के बाद है तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग होना चाहिए। तो वर्ब अगर मान लो प्रेजेंट परफेक्ट में मैं लिख रहा हूँ तो हैव लिखना पड़ेगा, हैव कंप्लीटेड। अब फ्रेंड के हिसाब से यहाँ हो जाएगा देयर वर्क, यानी कि जो नार के बाद सब्जेक्ट रहेगा ना, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग होगा और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर एडजेक्टिव का भी प्रयोग होगा, जो पजेसिव एडजेक्टिव होगा उसका प्रयोग होगा, है ना। तो इसका मतलब आपने देखा कि नीदर के साथ नाउन जुड़ रहा है, नीदर के साथ प्रोनाउन से प्रोनाउन भी जुड़ सकता है, जैसे नीदर सी नॉर ही वेंट टू स्कूल। इसका मतलब नाउन से नाउन को जोड़ो या प्रोनाउन से प्रोनाउन को जोड़ो, या नाउन से प्रोनाउन या प्रोनाउन से नाउन को जोड़ो, ये तो हो गई। अगर आप जोड़ना चाहते हो तो वर्ब से वर्ब को भी जोड़ सकते हो, ही नीदर वेंट, वह न तो गया नॉर डीड एनी वर्क। अब आप कहोगे कि क्या मामला है, तो मामला ये है देखो, नीदर के साथ वर्ब जुड़ा है सेकेंड फॉर्म, तो नॉर के साथ भी वर्ब जुड़ा है सेकेंड फॉर्म, यानी कि नीदर से वर्ब को जोड़ोगे तो फिर नार से भी वर्ब को ही जोड़ोगे, यहाँ दूसरा कुछ नहीं आना चाहिए। ये नहीं कि नीदर वेंट, ही नीदर वेंट, वह न तो गया और न तो राम खाया, ऐसा नहीं बोल सकते। यहाँ नार करके आप नाउन राम वगैरह नहीं लगा सकते। तो ये चीज़ें ख्याल करना है कि नीदर के साथ वर्ब से वर्ब को जोड़ेंगे, नाउन से नाउन को जोड़ेंगे। एक और देख रहे हैं, द गवर्नमेंट इम्प्लाइज आर नीदर डूइंग दिस वर्क नॉर सेइंग अबाउट इट। यहाँ ध्यान से आप देखोगे तो गवर्नमेंट इम्प्लाइज है ये, आर नाइदर डूइंग। देखो गवर्नमेंट इम्प्लाइज जो है न तो कर रहे हैं, यानी कि नीदर के साथ आप वर्ब का इंग फॉर्म लगाए हो, तो नार के साथ भी वर्ब का इंग फॉर्म लगा होना चाहिए। मतलब ऐसे ही एग्जाम में पूछता है।
अभी मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा, लास्ट में हम लोग देखेंगे, सॉल्व करेंगे कि गलती कहाँ हो रही है। एडजेक्टिव से एडजेक्टिव को भी जोड़ सकते हैं, जैसे माई फ्रेंड इज नीदर नीदर फूल, मेरा मित्र न तो मूर्ख है नार नार क्लीवर, न तो चालाक है। यानी कि यहाँ नीदर के साथ आपने एडजेक्टिव जोड़ा तो नार के साथ भी एडजेक्टिव होना चाहिए। एडवर्ब भी देख लेते हैं, एडवर्ब से एडवर्ब को जोड़ता है, जैसे हिज लैंग्वेज इज नाइदर फ्लुएंटली और नीदर के साथ नॉर। अब देखो यहाँ नीदर के साथ हमने एडवर्ब लगाया है फ्लुएंटली, है ना, स्पष्ट रूप से, तो नॉर के साथ भी ये एडवर्ब भी होना चाहिए क्लियरली, तो नॉर क्लियरली। यहाँ नाइदर के साथ एडवर्ब तो नॉर के साथ भी एडवर्ब का प्रयोग हुआ है। फ्रेज से फ्रेज का भी प्रयोग हो सकता है, जैसे नाइदर नाइदर ए हाउस इन द फ्लड एरिया, मतलब बाढ़ वाले क्षेत्र में एक घर, न तो बाढ़ वाले क्षेत्र में एक घर नार ए हाउस इन द हिल साइड। अब देखो नाइदर के साथ क्या जुड़ा है, ए हाउस इन द फ्लड एरिया, तो नार के साथ क्या जुड़ा है, ए हाउस इन द हिल साइड। यानी कि ये फ्रेज है तो ये भी फ्रेज है, यानी कि नाइदर नार से फ्रेज जुड़ रहा है, और इसके बाद नार के बाद आने वाला सब्जेक्ट जो है ए हाउस इन द फ्लड हिल साइड, ये सिंगुलर है तो हम लगा देंगे इज गुड। यानी कि बाढ़ वाले क्षेत्र का घर, न तो बाढ़ वाले क्षेत्र का घर, न तो पहाड़ी एरिया वाले क्षेत्र का घर अच्छा होता है। और ये फ्रेज से फ्रेज, क्लाज से क्लाज भी जुड़ता है, क्लाज से क्लाज भी जुड़ता है, जैसे नीदर नीदर दे स्टडीड वेल नीदर दे स्टडीड वेल नार आई डिड एनी वर्क। अगर आप देखोगे तो नीदर के साथ एक पूरा सेंटेंस जुड़ा हुआ है जो क्लाज के रूप में है, दे स्टडीड वेल, वे अच्छे से पढ़े, न तो वे अच्छे से पढ़े, और नार के बाद भी आप देखोगे तो सेंटेंस है, यानी कि क्लाज के रूप में जुड़ा है, आई डिड एनी वर्क, न तो वे सब सही से पढ़े और न तो मैंने कोई काम किया। तो आपने ये पाया कि जो नीदर नार है यह नाउन से नाउन को जोड़ता है, प्रोनाउन से प्रोनाउन को जोड़ता है, वर्ब से वर्ब को जोड़ता है, एडजेक्टिव से एडजेक्टिव को जोड़ता है, एडवर्ब को एडवर्ब से जोड़ता है। अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है नीदर माई अंकल नार माई ब्रदर्स। अब यहाँ पर न तो मेरे चाचा न तो मेरे भाई, यहाँ हैव लगाना है कि हैज लगाना है कि हैड लगाना है कि नन, नन का मतलब कुछ नहीं। तो अगर देखा जाए यहाँ पर जो डन है ना, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा तो निश्चित रूप से उसके पहले हैव हैज हैड तीनों में से एक होना जरूरी है, तो नन का मतलब ये गलत हो गया, है ना। हैड हम लगाते हैं कब, जब पास्ट एक्सप्रेसिंग एडवर्ब रहता है, पास्ट टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब रहता है। अगर ये जानकारी नहीं है तो टेंस और टेंस खेलें, अगर एक वीडियो टेंस के प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो मिलेगा, और टेंस खेलें, अगर उसको आप देखोगे तो ये जान जाओगे कि यहाँ पर हैड क्यों नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि हैड जो है सिंगुलर या प्लूरल दोनों के लिए लग सकता है ना। अब बचा हैज और हैव,
ये हमको डिसाइड करना है कि हैव लगेगा कि हैज लगेगा। अगर आप पढ़े हो ध्यान से तो आपको पता होगा कि नार के बाद आने वाला जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, तो हैव लगेगा जो कि सही है। दे विल नेदर रीड, अब नेदर रीड, वे लोग न तो पढ़ेंगे, और फिर यहाँ आपको लगाना है नीदर के साथ क्या लगेगा, तो आर लगेगा नहीं, नीदर के साथ नार लगता है, नॉट नहीं लगता है, एंड नहीं लगता है, तो इसका मतलब नार सही होगा, नीदर के साथ नार लगेगा। दो ही तरह से क्वेश्चन ही पूछेगा, या तो वो यहाँ वर्ब को पूछेगा कि वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, या तो फिर नीदर के साथ नार पूछेगा कि नार ही लगेगा कि कुछ और लगेगा। तीसरा है नीदर यू, नीदर योर वेल्थ, न तो तुम्हारा धन, और फिर अब नीदर के साथ क्या लगेगा, देखो आर लगेगा नहीं, नार लगेगा, नॉट लगेगा नहीं, एंड लगेगा नहीं, तो इसका मतलब नार सही है, क्योंकि नीदर के साथ नाउन जुड़ा हुआ है तो नार के साथ भी इन्फ्लुएंस नाउन जुड़ा हुआ है। यह है नीदर ही नार, देखो नीदर के साथ प्रोनाउन, नार के साथ भी प्रोनाउन जुड़ा हुआ है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, शैल, विल, शुड, वुड, इसको आप कमेंट में लिख के भेजो कि क्या लगेगा, शैल लगेगा कि विल लगेगा कि शुड लगेगा कि वुड लगेगा। अगर इसको आप सही से लिख के भेज देते हो तो इसका मतलब है कि नीदर नार और ईदर आर में आप कोई भी मिस्टेक करने नहीं जा रहे हो, और नीदर नार ईदर आर बहुत ईजी स्टेप है। अगर नीदर नार ईदर आर को समझ गए तो इसके बाद बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो, एंड एज वेल एज, सारे कंजक्शंस रूल्स है उसको आप सही से जान पाओगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और मित्रों में शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन के साथ। प्रणाम।